रोपड़ जिला के नज़दीक गांव कोटला निहंग में बहुत देर से रह रहे एक परिवार की एक नाबालिग लड़की से उसके पिता के गुरु जो नज़दीक ही गुग्गाड़ी की सेवा करता था पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है उनके अनुसार नाबालिग लड़की से लगातार बलात्कार होता रहा है और इस जगन्य कांड को करने वाला उसके पिता का ही गुरु था जो अक्सर उनके पास आकर ठहरता था जब लड़की गर्भवती हो गई तो यह मामला सबके सामने आया और गांव वालों तथा चाइल्ड वेलफेयर वालों द्वारा इस मामले को पुलिस को सौंपा गया अब लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वालों के संरक्षण में सौंप दिया है पुलिस जांच अधिकारी के अनुसार मामला उस समय सामने आया जब लड़की के पेट में दर्द हुआ और वो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए गई और डॉक्टर को पता चला कि वह गर्भवती है इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा पुलिस को दी गई गांव के पूर्व सरपंच ने भी इस बात को माना सर एक साढ़े पिंड नाबालिग लड़की है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਨਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ جاری ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ